वन ऑफ द हैवीएस्ट रेंज आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये वाली जो इसमें इंस्टॉल करेंगे, फॉग लाइट कवर हमने चेंज करा है, मारुति का जेन्युइन पार्ट है, हेडलाइट ऑन करा, और ये हाई बीम है। हाई बीम कर दी तो भाई फिर तो आप सब छोड़ ही दो। नेक्सा की जेन्युइन एक्सेसरी आप पूरा भाई यहाँ पे देख पाओगे किस तरीके का लगा हुआ है। तो जो स्पेयर पार्ट होगा ना वो हमेशा आपको ORVM का ब्लैक ही मिलेगा, चाहे ब्रेजा का हो चाहे बलिनो का। मारुति जेन्युइन पार्ट ये भी मारुति जेन्युइन पार्ट, ग्लॉसी वाली आप यहाँ पे देख पाओगे पूरी की पूरी इंस्टॉल करी गई है। इसका मारुति का जेन्युइन पार्ट नेक्सा का, आपने मैंने पूरी साइड वाइड आप लोगों को पूरा ढंग से सारी चीजें समझा रखी है कैसे रहती है। ये देखो नाइट विजन ऑन हो गया इसका। तेरा इश्क मेरे दिल में शादाब है, तुझसे दूरी मेरे लिए तेजाब है। गियर नॉब जो है ओरिजिनल इंस्टॉल, मैं ओरिजिनल USB इंस्टॉल करी, हम लोगों ने आर्मरेस्ट इसमें इंस्टॉल कर दिया है। ओवरहेड जो है इसके अंदर इंस्टॉल की, जो हम पूरी गाड़ी खोलने वाले हैं अभी। इसकी हेडलाइट खोल देंगे भाई, साइड मिरर खोल देंगे, स्टेयरिंग खोल देंगे, सीट कवर खोल देंगे, अंदर सारी चीजें आप देख पाओगे भाई। डोर पैनल और रूफ सारी चीजें खुल चुकी है। डैम्पिंग जो है हमारी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे होने के लिए। इधर जो है हम इंस्टॉल कर रहे हैं सिल्वर वाली डैम्पिंग हमारी पैरामेट की। इधर भी देख पाओगे भाई पूरा डोर खुल चुका है। पीछे भैया जो बूफर अपने साथ लेकर आए थे वही रिटेन कर रहे हैं। तो भाई पूरी गाड़ी खोलेंगे, आर्मरेस्ट इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, और पूरी गाड़ी को भी मैं बिल्कुल आप लोगों को एक खाली गाड़ी दिखाने वाला हूँ अभी। जैसी सीटें निकलती है और आर्मरेस्ट लगाते हैं, फ्लोर पे डैम्पिंग करेंगे, डोर्स में करेंगे, रूफ पे करेंगे। डैम्पिंग का प्रोसेस हर जगह से भाई स्टार्ट हो चुका है पूरा का पूरा होना। स्टीयरिंग बेस मॉडल में आता है भाई, कोई रिमोट कुछ नहीं आता इसके अंदर। ये चेंज करेंगे, स्टीरियो लगाएंगे, हैवी साउंड सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। मोनो एम्पलीफायर एक लगाएंगे इस वाली सीट के नीचे, 4 चैनल एक एम्पलीफायर लगाएंगे उस वाली सीट के नीचे। कंपोनेंट की बात करते हैं तो भाई फोकल का एक्सेस हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। वन ऑफ द हैवीएस्ट रेंज आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये वाली जो इसमें इंस्टॉल करेंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों ही हमारे फोकल के एक्सेस इंस्टॉल करने वाले हैं। आगे की बात करते हैं क्या क्या करेंगे भाई। फोक लाइट्स इंस्टॉल करेंगे, रिले लगाएंगे ताकि वायर कटिंग ना हो, और रिले पूरी हमारी उधर से बैटरी से होते हुए इस साइड से होते हुए अंदर पूरी आएगी। हेडलाइट के अंदर भाई DRL इंस्टॉल करेंगे और डेमेनाई इंस्टॉल करेंगे इस वाली हेडलाइट के अंदर। तो बहुत जबरदस्त वाली गाड़ी आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। और अगर आप सोच रहे हो इतना तड़कता भड़कता तहलके वाला काम कहाँ हो रहा है, तो भाई वन एंड ओनली काउंटिंग कार्स को रोलबाग पे आप लोग इस तरीके का पूरा काम करा सकते हैं, और कहीं पे भी आप लोगों को इस तरीके से क्वालिटी वर्क नहीं मिलेगा। और कम प्राइस के अंदर जो है ना हैवी क्वालिटी वाला काम हो जाता है यहाँ पे, यानी कि जो फोकल का एक्सेस है भाई, महंगी महंगी रेंज के कंपोनेंट हो गए, स्पीकर हो गए, सारी चीज़ें आप लोगों को सिर्फ काउंटिंग कार्स में मिलेगी भाई, वो भी किफ़ायती रेटों पे। और काम की स्पीड देख पाओगे भाई, अभी तो बस गाड़ी 5 मिनट पहले खुली थी और काम जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है अभी पूरी जो है। रूफ डैम्पिंग करने के बाद, डोर डैम्पिंग करने के बाद थोड़ा सा जब इसमें काम खिंच जाता है फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई किस तरीके का पूरा काम रहने वाला है। और गियर नॉब चेंज कर देंगे, मतलब जो भी है भाई पूरी गाड़ी खोल देंगे इसके अंदर। अभी यहाँ पे आगे जो है ओवरहेड लाइट नहीं आती, ये खाली बीच में आती है, तो ओवरहेड लाइट लगा देंगे। तो मतलब पूरी गाड़ी खोलने के बाद इसको टॉप मॉडल बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। पूरी गाड़ी आप लोगों ने देख ली थी भाई किस तरीके से खुल चुकी थी, अभी और ज़्यादा जो है भाई गाड़ी खुलते जा रही है। और हम इसको आज भी जो है 2-2.5 घंटे बाद पैक करके डिलीवर भी कर देंगे। तो यहाँ देख लेते हैं भाई क्या क्या जो चीज़ है वो इंस्टॉल हो रही है। सबसे पहले अपनी टेल लाइट खुली थी, इसके अंदर जो आप देख पाओगे भाई पिन के अंदर वायर लगाई गई है ताकि वारंटी बोर्ड ना हो किसी भी तरीके से। कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आप हटाना चाहते हो रिफ्लेक्टर लाइट, तो आप पिन के अंदर से वायर निकाल दो। ये हमने जो बैक कैमरा है, बैक कैमरा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 360 भी इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है स्टार्टिंग से रिफ्लेक्टर लाइट यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है। ये पुराना डब्बा निकाल दिया भाई, इसकी जगह आर्मरेस्ट लगा दिया भाई टॉप मॉडल का बलिनो का। देख पाओगे किस तरीके से रहता है, रूफ पूरी देख पाओगे कैसी लग रही है भाई, रूफ चेकआउट कर पाओगे कितनी ज़बरदस्त तरीके से रूफ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। पूरी पूरी रूफ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डैम्पिंग कर दिया है। फ्लोर हो गई है भाई, फ्लोर भाई पूरी कर दी है, देख लो डैम्पिंग पूरी, साउंड प्रूफ कर दिया गाड़ी जबरदस्त तरीके से। बूफर बजेगा इंटरफायर का, हम लोग 4 चैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। मोनो एम भैया के पास था, डबल बूफर डिग्गी के अंदर है, एक लाउड सेटअप। फोकल का एक्सेस आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, बहुत सिलेक्टेड जो आइटम है भाई वो इंस्टॉल करा जा रहा है। फोकल का एक्सेस आप देख पाओगे, कार्बन फाइबर की कोन रहती है भाई, और हाईएस्ट जो एक क्वालिटी वाला आउटपुट आता है ना भाई वो इसमें से निकल के आएगा, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला। जिसमें ऑडियो सेटअप हो रहा है भाई, लाइटनिंग सेटअप हो रहा है, इंटीरियर का काम हो रहा है, डोर्स पे इंटीरियर लगेंगे, फ्लोरिंग का काम हो रहा है, मतलब भाई ऐसी गाड़ियाँ देख के ना दिल से खुश हो जाता है। आगे आते हैं तो भाई आगे देख पाओगे कि भाई IPH लगेगा प्रोजेक्टर के अंदर, हेडलाइट पूरी खुल के गई है भाई DRL और डेमेनाई लगने के लिए। मतलब भाई क्या कुछ नहीं कर रहे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसमें भी ऑटो फोल्डिंग मिरर भी नए डलेंगे पूरे अंदर भाई। गाड़ी देखो भाई किस तरीके से पूरी गाड़ी खुली पड़ी है, कुछ नहीं है भाई गाड़ी के अंदर इस समय। और इसी को हम रेडी करेंगे भाई, और रेडी करने के बाद इसको हम डिलीवर करेंगे भाई 2-2.5 घंटे के बाद। यहाँ पे हाइपरसोनिक आप लोग स्टीरियो देख पाओगे, 360 डिग्री कैमरा हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ऑटो डिमिंग IRVM किसी को लगवाना है भाई वो चीज़ अवेलेबल है। डिग्गी क्रोम किसी को पीछे लगवानी है, इसमें लगी हुई है, डेल्टा में आती नहीं है, लगवाई है भैया ने, नहीं तो बेस मॉडल है मतलब जो भी है लगवाई है भैया ने, तो ये चीज़ है भाई। साइड बीडिंग लगी हुई थी, क्रोम हैंडल देख पाओगे। लोअर गार्निश किसी को चाहिए भाई अवेलेबल है। डोर वाइजर अभी हम इसके अंदर लगाने जा रहे हैं भाई इस तरीके से। 3M का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, ब्रांडेड हाइपरसोनिक का ही कैमरा 360 इंस्टॉल कर रहे हैं भाई।
फॉग लाइट वायरिंग इसके अंदर इंस्टॉल करी जाएगी, फॉग लाइट रिले प्रॉपर इंस्टॉल करी जाएगी कि भाई वारंटी वर्ड ना हो। आप लोग काम जितना मर्जी कराओ भाई, किसी भी चीज़ में वारंटी वर्ड जो है वो चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी। यहाँ पे काम की क्वालिटी देखो भाई, कितनी स्पीड से और कितनी ज़बरदस्त तरीके से पूरी गाड़ी के अंदर भाई यहाँ पे काम किया जा रहा है। आप लोग देख पा रहे हो कि भाई टॉप मॉडल का स्टेयरिंग व्हील भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। भैया भी हमारे साथ है, भैया कैसा लग रहा है गाड़ी में काम होता हुआ देख कर? अच्छा लग रहा है, पूरी गाड़ी खुली हुई है तो कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है, नई गाड़ी पे आपने पूरा खोल दिया, बट जैसे काम देख रहा हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी जो है भैया का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप लोगों को फाइनल आउटपुट भी दिखाएंगे। You will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it, this is your why, yeah. That gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit and I plan and I found out that I can't execute. So bhai, finally bhai hamari gaadi complete hoti hai aaj ke din hi, aur 12:30 baje hum log jo hai shoot kar rahe hain isko. फाइनली काम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है भाई, फुल्ली लोडेड काम आप लोगों को आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और इतनी सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल करी है भाई, इतनी सारी चीज़ें इंस्टॉल करी है कि बताने में अब जो है ना वीडियो आप लोगों को मज़ा आएगा, और वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है क्योंकि चीज़ें बहुत सारी इंस्टॉल करी है। सबसे पहले फ्रंट साइड पर आते हैं तो हमने हेडलाइट के अंदर भाई डेमेना इंस्टॉल करी है जो एप्लीकेशन के थ्रू चलेगी। इस साइड आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग बल्ब इसका व्हाइट करा है, येलो आता है कंपनी फिटेड, और DRL इंस्टॉल करी है भाई। देख पाओगे कितनी ज़बरदस्त हेडलाइट लग रही है इस समय, और अभी तो हेडलाइट ऑफ है, ओनली हमने IPH प्रोजेक्टर ऑन कर रखे हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो हमने LED इंस्टॉल करा है, फॉग लाइट कवर हमने चेंज करा है, मारुति का जेन्युइन पार्ट रहेगा, IPH कार का ओरिजिनल IPH प्रोजेक्टर विद 110 वॉट की LED हमने इंस्टॉल करी है, ऊपर 130 वॉट की 9006 हमने LED इंस्टॉल करी है। क्वालिटी ऑफ लाइट एंड कैसी थ्रो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी भाई, पूरी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये हमने पूरी बंद कर दी भाई, ये DRL की लाइट थोड़ी बहुत जो पड़ रही वो पड़ रही, ये जो है पूरी थ्रो भाई ये हमारी फॉग लाइट्स की रहती है। देख लो एक बार आप कितना डिफरेंस आता है। और अगर आप ऐसे ड्राइव करना चाहें तो ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ी देखने में बहुत सेक्सी लगेगी क्योंकि नीचे फॉग लाइट्स होने, ऊपर डेमेना ही होने, और DRL की भाई पूरी लुक देखो कितनी गजब, एक डिफरेंट काइंड ऑफ और डिफरेंट लेवल का लुक आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और क्वालिटी वाइज देखो भाई, थ्रो भी देख पाओगे भाई कैसे निकल रही है बीम अपनी प्रॉपर। अब आपको चमत्कार दिखाता हूँ सीधा 130 वॉट ऑन करके, और अभी आप देख पाओगे कि भाई अगर हेडलाइट ऑन करते हैं तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये देखो हेडलाइट ऑन करा और ये हाई बीम है, हाई बीम कर दी तो भाई फिर तो आप सब छोड़ ही दो कि आप जहाँ तक देखना चाहो भाई वहाँ तक देख सकते हो पूरा का पूरा। और अगर आप पूरी लाइट्स ऑफ करोगे तो भाई दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो कितनी दूर है वो जगह। और जब भी आपको ये देखो मैं हाई बीम पर ऑन करके दिखाता हूँ भाई, ये जो है हमने क्वालिटी का काम करा है, और भाई क्वालिटी देख पाओगे कितनी टॉप नॉच रहती है। यहाँ पे फ्रंट साइड पर आते हैं तो बेस मॉडल है पर ग्रिल कंपनी से लग के आई थी, अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं तो अवेलेबल है एट काउंटिंग कार्स करोल बाग, और आप ट्रस्ट के साथ यहाँ पे आ सकते हैं और भाई पूरा बेस मॉडल टू टॉप मॉडल का काम करा सकते हैं इस तरीके से विद ऑल मारुति जेन्युइन पार्ट्स के साथ में। इधर आप लोग देख पाओगे कि भाई नीचे जो हमने चीज़ इंस्टॉल करी है, फ्रंट का जो बम्पर का क्रोम आता है नेक्सा की जेन्युइन एक्सेसरी, आप पूरा भाई यहाँ पे देख पाओगे किस तरीके का लगा हुआ है। 360 डिग्री कैमरा हमने इंस्टॉल करा है, फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट नीचे करी गई है, देख पाओगे भाई कितना औसम लग रहा है। जेन्युइन फॉग लाइट्स हमने इंस्टॉल करे, मतलब जेन्युइन हमने फॉग लाइट कवर इंस्टॉल करे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। एक तो मेरे को तो फ्रंट की लुक इतनी ज़बरदस्त लगी ना, अलॉय की कमी रह गई है भाई, नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो लगा देंगे अलॉय इनको। साइड में इंडिकेटर ढांकने के लिए हमने यहाँ पे गैलियो के एक साइड वेंट इंस्टॉल करे हैं, ऑटो फोल्डिंग मिरर इंस्टॉल करा है, ओरिजिनल कैप अगर आप और मतलब ओरिजिनल ORVM ले रहे हो, डब्बा पैक ले रहे हो, तो जो स्पेयर पार्ट होगा ना वो हमेशा आपको ORVM का ब्लैक ही मिलेगा, चाहे ब्रेजा का हो चाहे बलिनो का, हम शुरू से बताते आ रहे हैं। फ्रेश ब्रांड न्यू कंडीशन के मिरर्स डब्बा पैक भैया की गाड़ी में इंस्टॉल करके दिया है विद 10% डिस्काउंट ऑन MRP, जेन्युइन पार्ट रहेगा भाई मारुति का, वो हमने इंस्टॉल करा है। नीचे 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट देख पाओगे तो ये दोनों साइड में करा है, एक फ्रंट में करा है और एक बैक में करा है। साइड में आते हैं तो भाई फ्रंट स्किड प्लेट नहीं लगाई है, यहाँ पे हमने अपनी जो है मड फ्लैप्स इंस्टॉल करे हैं, और साइड स्कर्टिंग लगा दी है, ये साइड स्किड प्लेट का पार्ट होता है तो ये साइड की लगा दी है, बट फ्रंट की बहने नहीं लगवाई। साइड बेडिंग भी कंपनी से लगवा के लाया था, यहाँ से लगवाते तो 10% ऑन MRP आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता। यहाँ पे हमने डोर गार्ड इंस्टॉल करे हैं आई पॉप के चारों डोर में,
हैंडल क्रोम अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पे ये भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। लोअर गार्निश चाहिए वो मिल जाएगी। डोर वाइजर हमने इंस्टॉल करें, आफ्टर मार्केट देख पाओगे किस तरीके के रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को क्वालिटी वाली चीज़ और क्वालिटी वाला काम मिलेगा। बैक साइड में आते हैं तो भाई अगेन बैक का मड फ्लैप, रिफ्लेक्टर लाइट्स, लैम्बोर्गिनी स्टाइल देख पाओगे भाई कैसी रहती है पूरी की पूरी। अगर आप पास से देखना चाहो तो भाई ऐसी रहेगी, और इसमें इंडिकेटर भी वर्क करेगा आपका, फ्लोटिंग भी रहेगी जब आप इंडिकेटर देंगे दोनों में से किसी साइड का भी। बैक में आते हैं तो डिग्गी क्रोम इसमें भैया, डिग्गी पत्ती हमने इंस्टॉल करी है क्रोम की, और ये डिग्गी क्रोम जो है भैया लगा के लाए थे। इसमें कैमरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि भाई 360 लगा है तो 360 कैमरा बड़ा होता है उसके अंदर नहीं आ पाता, तो ये 360 कैमरा बैक कैमरा हमने इंस्टॉल करा है। इधर हमारी टेल लाइट है, नॉर्मल है, फ्लोटिंग आप लोगों को इसमें मिलेगी। बूफर भैया का ओल्ड था, JBL का है भाई ये बूफर, कोई सा दो बूफर लगे हुए हैं इसमें। साउंड आउटपुट आप लोगों को सुना दूंगा ठीक है। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, अंदर की साइड चलते हैं भाई दिखाता हूँ क्या क्या इंस्टॉल हुआ। सबसे पहले तो K3 के जलवे देखो, K3 आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगी भाई किस तरीके की काम करती है। अभी मोड ऑफ है इसका, मोड ऑन है, देखो कैसे जा रही है भाई कलर चेंज करती हुई पूरी की पूरी। इधर आते हैं तो भाई ओरिजिनल हब के साथ, ओरिजिनल स्टेयरिंग, क्रूज बटन के साथ, कॉलिंग बटन के साथ, इंफोटेनमेंट के यहाँ पे देख पाओगे पूरा लेदर रैप्ड सिल्वर वाला, ब्रांड न्यू कंडीशन में डब्बा पैक। भैया को ये चीज़ भी यहाँ पे इंस्टॉल करके दी गई है 4500 में। इधर आते हैं भाई इनर हैंडल ओरिजिनल टॉप मॉडल के, टॉप मॉडल का ट्विटर सैश, मारुति जेन्युइन पार्ट, मारुति जेन्युइन पार्ट, ये भी मारुति जेन्युइन पार्ट, मारुति जेन्युइन पार्ट स्टाइलिंग किट ग्लॉसी वाली आप यहाँ पे देख पाओगे पूरी की पूरी इंस्टॉल करी गई है। इंटीरियर किया गया पूरा लेदर के अंदर यहाँ पे देख पाओगे, और ब्लू कलर की जो है स्टिचिंग दी गई है, ब्लैक इंटीरियर में ब्लू कलर की स्टिचिंग दी गई है पूरा देख पाओगे। इसमें चौक के निशान है क्योंकि सिलाई करने के लिए भी पहले निशान मारा जाता है, उसके ऊपर सिलाई होती है। तो क्वालिटी देख पाओगे कॉर्नर टू कॉर्नर कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है चीज़ें इंस्टॉल करी गई है यहाँ पे। क्वालिटी वाइज आप लोगों के सामने पूरी चीज़ है, एक बार इस पर कपड़ा लग जाएगा गीला तो ये चौक भी मिट जाएगी। और ये देख पाओगे भाई इंटीरियर जैसा टॉप मॉडल के अंदर आता है सेम वैसा आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा किस तरीके से यहाँ पे पूरा इंस्टॉल किया गया। ये K3 आप लोग देख पाओगे भाई किस तरीके से, K4 हमने इंस्टॉल करी है, K4 देख पाओगे कार्डी की सिम्फनी किस तरीके से आती है। ग्लव बॉक्स की लाइट यहाँ है, इनर हैंडल की एम्बिएंट लाइट यहाँ है, नीचे फुट लाइट की यहाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, डैशबोर्ड की यहाँ मिलेगी, ग्लॉसी पैनल चेंज करा है, मारुति का जेन्युइन पार्ट नेक्सा का आप लोगों को देखने के लिए ये भी मिलने वाला है और ज़बरदस्त रहता है। डैशबोर्ड पर देख पाओगे भाई डुअल स्टिचिंग, आप लोगों ने शायद ही देखी होगी भाई डैशबोर्ड पर डुअल स्टिचिंग बलिनो में, आप लोग देख पाओगे किस तरीके से पूरी इंस्टॉलेशन करी गई है यहाँ पे। नाइट का टाइम है, थोड़ी क्वालिटी आप लोग एडजस्ट कर लेना। और K3 की फिनिशिंग देख पाओगे, ग्लॉसी देख पाओगे, ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंस्टॉल करा है। 464 हाइपरसोनिक का हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करा है विद ग्लॉस ब्लैक फ्रेम, पूरा का पूरा रहने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को 360 का ऑप्शन यहाँ डायरेक्टली मिल जाएगा। 360 के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने विटारा में बना रखी है, तो विटारा की 360 की वीडियो देख लेना जाके, उसमें मैंने पूरी साइड वाइड आप लोगों को पूरा ढंग से सारी चीज़ें समझा रखी है कैसे रहती है। फ्रंट व्यू अगर आप देखना चाहते हो तो भाई फ्रंट व्यू कुछ इतना जो है आपको क्लियर मिलेगा। ये देखो मैं सारी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, ये देखो नाइट विजन ऑन हो गया इसका, ये लाइट ऑन करी तो थोड़ा डिम आप लोगों को लगेगा। ये देखो इस तरीके से आपको पूरा दिख रहा है भाई, रैपर वैपर पड़ा है। बैक का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ भाई कैसा आएगा, तो बैक का व्यू देख पाओगे, ये रहा भाई हमारा बैक का व्यू, और कितना वाइड एंगल है ये आप देख पाओगे भाई। ये नंबर प्लेट रही यहाँ पे, ये UP लिखा हुआ है शायद, और ये इसका नंबर लिखा हुआ है, मतलब इतना पूरा का पूरा वाइड है, और उसके साथ आप पूरा देख पा रहे हो भाई कितना ज़बरदस्त यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये बैक का अगर स्ट्रेट कर दोगे तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। सो भाई ये जो है मैंने डिटेल रिव्यू डाल रखा है इसका ऑलरेडी, आप वो देख लेना। DSP की सेटिंग आपको इसमें सारी की सारी मिलने वाली है, और इसके अलावा इसमें प्ले स्टोर आप लोगों को मिल जाएगा, गूगल मिल जाएगा, मैप्स मिल जाएंगे, यूट्यूब प्री इंस्टॉल मिलेगा, एप्पल कारप्ले मिलेगा, प्री इंस्टॉल्ड एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर सकते हैं, प्ले स्टोर भी है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, प्ले स्टोर भी यहीं का ही होगा छुपा हुआ दिखने रहा। तो भाई प्ले स्टोर ये रहा हमारा, इसमें जीमेल साइन इन वाइन इन करनी पड़ेगी, उसके बाद रेडी टू गो है, ये भी आप लोगों का चल जाएगा। एक बार साउंड आउटपुट आप लोगों को मैं सुनाऊंगा भाई किस तरीके का आता है, और उसके बाद चलेंगे भाई अगली चीज़। मेन जो है भाई साउंड आउटपुट इसलिए क्योंकि हमने पूरी गाड़ी डैम्प करी है, छत डैम्प करा है, फ्लोर डैम्प करा है, डोर्स डैम्पिंग करे हैं हमने, फोकल का एक्सेस के कंपोनेंट फ्रंट एंड बैक में इंस्टॉल करा है, एक इंटरफायर लगाया है 4 चैनल का, एक मोनो जो भैया लेकर आए थे अपने साथ पुराना मोनो है, तो यही मोनो जो है हमने यहाँ नीचे की साइड लगा दिया। डबल वूफर आप देख चुके हो, ज़बरदस्त वाला आउटपुट आप लोगों को मिलेगा भाई। एक बार प्ले करते हैं और देखते हैं भाई। इश्क मेरे दिल में शादाब है, तुझसे दूरी मेरे लिए तेजाब है। क्वालिटी एंजॉय करो भाई, पहले चेक करो कैसी आ रही है क्वालिटी।
किसी भाई को कंपेयर करना हो तो टॉप मॉडल से भी कंपेयर करके देख ले, उससे भी 10 गुना बेटर क्वालिटी है। कर लो अदर हमारी, करते भाई कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना भाई, कॉपीराइट भी आएगा इस पे, लेकिन काम इतना जबरदस्त करा है कि आप लोगों को भाई सुनाना बनता था एक सॉन्ग। गियर नॉब जो है ओरिजिनल इंस्टॉल करा है, इधर आप लोग देख पाओगे भाई यूएसबी इंस्टॉल करी है फ्रंट की, ताकि एप्पल कारप्ले आप डायरेक्ट यहाँ से चला सके। बैक में ओरिजिनल यूएसबी इंस्टॉल करी है, जो की आती आर्मरेस्ट के अंदर टॉप मॉडल के अंदर आती है, तो ये हमने इंस्टॉल कर दिया है। एक ए टाइप है, एक सी टाइप है आप लोगों का, और वर्किंग में इंस्टॉल करा हमने ये पूरा जो है, हम लोगों ने आर्मरेस्ट इसमें इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। आर्मरेस्ट आप देख पाओगे, इसके अंदर हम लोगों ने आर्मरेस्ट इंस्टॉल कर दिया इसका पूरा का पूरा चेंज करके, जो कि बेस मॉडल के अंदर नहीं आता। ये वाला सिल्वर पार्ट बेस मॉडल में नहीं आता, कार्बन फाइबर आता है यहाँ पे, ये हमने चेंज कर दिया पूरा। एक बार चेकआउट कर पाओगे कैसा लगता है सिल्वर इसके अंदर, दोनों साइड से सिल्वर रहेगा। नीचे की साइड 70 मैट करा है, मैट के नीचे फ्लोरिंग करी है हम लोगों ने, उसके ऊपर मैट करा है, फ्लोरिंग के नीचे डैम्पिंग करी है। पूरी गाड़ी नॉइस प्रूफ कर दी है भाई, पूरी की पूरी गाड़ी। इधर ग्लोसी आप देख पाओगे, ये भी कार्बन फाइबर आता है वैसे इसके अंदर, ठीक है। ट्विटर सैश हो गया, एक हमने ओवरहेड जो है इसके अंदर इंस्टॉल करा है, ये आप देख पाओगे यहाँ पे, ये इस मॉडल में नहीं आता है, डेल्टा से आना शुरू होता है, तो ये हमने इंस्टॉल करा है। ये येलो थी, इसको हमने व्हाइट करा है। बूट लाइट आती है, एक बूट लाइट हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है। सीट कवर्स आप लोग देख पाओगे भाई, सीट कवर कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ पे, और ब्लैक के ऊपर ब्लू स्टिचिंग के अंदर हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करा है। पूरे बकेट फिट सीट कवर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और अंदर से जो पूरा बकेट करा गया, अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो नहीं निकल सकते। ये क्वालिटी देखो भाई कितना ज़बरदस्त वाला आज काम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बलिनो में सेम काम कराना चाहते हो तो, सेम क्वालिटी का कराना चाहते हो तो भाई वन एंड ओनली काउंटिंग कार्स आप लोगों के लिए भाई खुला हुआ है। काउंटिंग कार्स पे आके आप सेम तरीके का काम अपनी गाड़ी के अंदर भी करवा सकते हैं। इंटीरियर अगर आप उसका देखना हो आपको, तो इसमें भी इंटीरियर देख लो, ग्लोसी पैनल देख लो, और अपना इनर हैंडल देख लो, एम्बिएंट लाइट का थ्रो देख लो, नीचे जो ब्लू लाइट आ रही है भाई वो हमारी स्कफ प्लेट की है, इसका थ्रो देख लो, तो मतलब कोई भी चीज़ आप देख लो भाई, सारी चीज़ें टॉप नॉच है। ये देखो भाई K3 का मोड, K4 का मोड चेंज हो चुका है, तो भाई इस तरीके से इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर पे मोड्स चेंज होते रहते हैं, और अलग अलग तरीके के पैटर्न भाई ये बनाता रहेगा आप लोगों के लिए, और मोड्स में जाओगे तो मिलियंस ऑफ पैटर्न आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई यही था आज की वीडियो के लिए, होपफुली वीडियो पसंद आई है। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। इस तरीके का हैवी साउंड सिस्टम के शौकीन हो या फिर बेस टू टॉप मॉडल बनाने के शौकीन हो, तो काउंटिंग कार्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में सारी लोकेशन है, लिंक्स है, तो आप डायरेक्टली शॉप पर आके विजिट कर सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं काउंटिंग कार्स पे, और रेट आप लोगों को पता ही है, जेन्युइन पार्ट्स आप लोगों को पता ही है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, होपफुली वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर। किसी दोस्त के पास बलिनो है भाई, उसको ज़रूर ये वाली वीडियो शेयर करें, क्योंकि ऐसी बलिनो आपने इसी वीडियो में देखी है, शायद ही आपने किसी और वीडियो में ऐसी बलिनो देखी हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम।